राज्य की जनता उन्हें माफ नहीं करेंगी। आप कितने भी चोरी चपाटे कर लीजिए, 30 नवंबर में अगर हिम्मत है तो आप बहुमत सिद्ध करके दिखाएं। सर, विधायक तोड़े भी ना बोले, विधायक तोड़ने की कोशिश होगी, पत्र दे दिया जाएगा गवर्नर को, आपने बताया 10 बजे तक मीटिंग में हाजिर पावा चाहता हूं। उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार साहब, हम सब अभी बैठे थे, 8 विधायक सुबह राजभवन में अजीत पवार के साथ थे, 8 विधायक, उसमें से 5 विधायक वापस आए हैं। उनको झूठ बताकर लेके गया था, कहा एक जगह पे बुलाया, गाड़ी में डालकर उनका किडनैपिंग किया लगभग। उसमें से आधे विधायक अभी मौजूद है, आपने देखे होंगे, 3 तो आपने देखे वापस 2 आ गए हैं। धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है, नौक बताना चाहता हूँ, धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है और जल्दी ही सब लोग वापस आएंगे, शायद अजीत पवार भी वापस आए। सर, चंद्रकांत पाटिल का सारा भी आपको समर्थन मिल गया था गवर्नर को, कहा जा रहा है अजीत पवार आपके साथ खेल रहा है, कैसे हो गया? फंसा दिया है, एक कहा जा रहा है, एक खबर आ रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पवार साहब के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। सर, आप लोग की तरफ से संभावना बरकरार है सरकार बनाने की? हम ही सरकार बनाएंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। जो सरकार बनी है, सुबह 7 बजे अंधेरे में, अंधेरे में सिर्फ पाप होता है।